हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज आया हूँ मैं बनी सारिंग वाले खेत में। तो मम्मी बुईसा और जो मेरे पड़ोसी है वो आज ऐटा काट रहे हैं। ऐटा जो सत्तू जो बनता है वो काट रहे हैं ऊपर। तो मैं नीचे देखने आया था, खमानी लगाया था मैंने लास्ट टाइम, तो तीन लगाए थे मैंने, दो तो बना था, एक थोड़ा सूख रहा था, तो मैं वही चेक करने आया कि वो है क्या नहीं है। चलो देखते हैं। ये दो तो बन रहे हैं, खमानी गया ये। ओ यार ये भी सूख रहा है क्या? नहीं शायद ऊपर से गिर गया ये, तभी ऐसा हो गया। ठीक है जी, बाकी एक आगे था। ये सारा भुट्टा लगा रखा है, कौन छलिया बोलते हैं हम तो। ये सूख गया बिल्कुल, मे भी शायद कीड़े कूड़े या कुछ होंगे। सूख गया ये वाला तो। ये क्या नीचे था, ये देखो ये भी है अभी तो बना हुआ। बाकी सेब अच्छा है इस बार, यहाँ वाले खेत में तो, और दूसरे वाले खेत में तो थोड़ा कम है, इस वाले खेत में अच्छा है। तो चलो पानी लगाता हूँ मैं ज़रा इन पे, पानी लगाता हूँ इन पे ना, थोड़े सूख से रहे। एक तो सूखा पड़ा हुआ है इस बार, तो संगला में बहुत कम बारिश हो रही है उस वजह से। नीचे का व्यू, मैं रुको यहाँ से आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ, बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ। ये है जस्ट मेरे खेत के नीचे का व्यू है ये। ओ चंदा मामा जल्दी आ गया आज। ये वहाँ पे गुथू है जो सार्वजनिक जो कपड़े धोने का, वहाँ पे किनौरी में तो गुथू बोलते हैं उसको, वहाँ पे जो पूरे गांव बनी सारी वाले जो वहाँ जाते हैं, गुथू बोलते हैं कपड़े धोने के लिए। अब तो चलो हर किसी के घर में वॉशिंग मशीन आ गया, तो पहले तो सब ये था कि भी सब वहीं जाके कपड़े धोते थे। आज हम आए हैं खेत में टक उठाने, छुआ बोलते हैं जिससे सत्तू बनता है। वाह, मम्मी ने ड्यूटी लगाई है, पापा मेरी और पापा टग छुआ बोलते हैं इसको, टग छुआ, इससे सत्तू सत्तू बनता है ना पापा, सत्तू बनता है इससे। अभी तो बहुत कह रहा है वहाँ आगे तक, आज शाम को काट रहे उन्हें। ये सब लेके जाना है हम, मेरे और पापा की ड्यूटी लगाई मम्मी ने, हम ये सब घर लेके जाना है। नीचे नीचे साइड क्योंकि पानी का फ्लो नीचे को आता है, क्योंकि डाइन डाउन हुआ थोड़ा खेत, तो इसलिए फिर सारा खाद खुद नीचे जाता था। नीचे बहुत लंबे लंबे हो गए यहाँ पे, तो ऊपर तो थोड़े छोटे छोटे थे। तो ये है मैंने जगह बोझा, इसमें लगाया है अनाज को, टक को, ये रस्सी ऐसा स्टाइल है, ऐसा उठाते हम लोग। ये है अखरोट का पेड़, थोड़ा धूप था। तो ये रहा अनाज, आज सवेरे ही लेके आए पापा और मैं। आप इसे जब तक सूखेगा नहीं ऐसे रखेंगे, धूप में निकालते रहेंगे, उसका फिर झाड़ते हैं इसको, उसके बाद जो पीसने के लिए ले जाएंगे इसको, उसके बाद बनेगा आखिरी में सत्तू, जो हम खाते हैं वो बनेगा सत्तू। आज ज़्यादा सूख गया है कल के मुकाबले, धूप में रखा था। और मम्मी निकाल रहे हैं टकची, हमारा समकाओं में जो लगता है इसी से बनता है। ये है हमारे सर का ताज और साथ में समका। समका बेसिकली पहनते हैं या तो कोई ओकेजन हो या हो शादी में, तो हम ये कहना गलत ना हो नहीं होगा कि एक किस्म का इंडिकेशन है, जैसे कि कोई बाराती आते तो ये ज़रूर पहन के आते हैं, तो दूर से पता लगता है कि हाँ भाई बाराती आ रहे हैं या कोई जो है हमारे जो मेहमान आ रहे हैं। तो मैंने आपको दिखाया भी था मम्मी जो इकट्ठा कर दे, और जो हम खेत से काट के लाए थे सत्तू वाला जो था, उससे डंडिया जो उससे ये बनता है, ये जो पूरा वो है पानी में भिगोने के बाद बड़ा मेहनत से बनाना पड़ता है इसको, ये वाला पार्ट।
तो ऐसे पहनते हैं बेसिकली, ऐसा लगता है फिर टोपी में कराना पड़ता है देखो इसे सुखाने के लिए। हमारा टक जो है आधा सूख गया है तो मम्मी कह रही है अभी इसको झाड़ना पड़ेगा, तो डंडा पापा और मैं डंडा देने जा रहे हैं। आधा अभी हरा ही है तो अभी उसको कुछ दिन और सुखाएंगे, एक दो दिन और लगेगा उसमें। ये नया वाला स्टोर है, हमें जो है पुराने वाले स्टोर में जाना है। ये मेरी मेहमान है, मेरी क्या मतलब मुझसे भी पहले के ही, देखो परेशान नहीं करेंगे तो काटते नहीं है। ये हमारा स्टोर रूम मिल गया, ये लंबा लंबा जुआ तरफ देखे एक ही हमें मिल गया है डंडा, वो कितना बड़ा है इससे वो करते हैं फम्मी करना बोलते हैं हम तो किनारी में, उसको झाड़ना पड़ेगा हमें, सूखा हुआ जो है फिर नीचे निकलेगा वो, फिर उसको इकट्ठा करके फिर उसको जाएगा मशीन में ग्राइंड होने, फिर जाके आखिरी में जो मिले वो मिलेगा सत्तू। निकाल दिया दूसरे में तो और स्वेटर में तो और चिपकेगा छत। ये है डंडे हैं, मैं हो गया हूँ रेडी, उस वाले स्वेटर में चिपकेगा ये, तानो बोलते हैं हमारे इसको ना, जिसका वो होता है इस टी शर्ट में होप नहीं चिपकेगा, ऐसे इकट्ठा किया है फिर इसको वो करना पड़ेगा। चलो आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं हम यहाँ पे। इस प्रोसेस में अनाज को हम झाड़ते हैं, झाड़ना इन द सेंस होता है लकड़ी से जब हमें मारेंगे तो इसके जो अनाज होता है वो नीचे अपने आप नीचे गिर जाते हैं, तो ऊपर का ये लेयर जो हमें इसे घुमाते हुए रहना पड़ता है जिसकी वजह से जो है चारों तरफ से ये जो है अच्छे से जड़ जाए, तो फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा आखिरी तक जब तक ये अच्छे से अनाज जो है नीचे ना आ जाए। A few moments later. तो इसको झाड़ दिया हमने ये रहा, और ये बच गया, इसको भी थोड़ा बहुत अभी झाड़ना है, तो पापा तो चले गए, पापा को मार के जाना था तो मैं करता हूँ इसको, मैं दिखाता हूँ आपको अभी क्या बनता है क्या निकलता है इससे जो हमने झाड़ा था। ये देखिए ये है आखिरी में, इसको झाड़ के पूरा साफ़ सूफ करना पड़ेगा, चालंग से वो करना पड़ेगा, यारा से वो करना पड़ता है,
ये निकलता है आखिरी में, तो इसको जाके बाद में पीसेंगे तो इसी से निकलता है सत्तू। तो अभी इसको थोड़ा और अभी थोड़ा और झाड़ना है मैंने थोड़ा थोड़ा, उसके फिर मम्मी आके इसको यारा लगाएंगे, आखिरी में ये बचेगा, इसको फिर आखिरी में पीसने ले जाएंगे और फिर मिलेगा हमें सत्तू। ये है यारा, इसमें छाटेंगे मम्मी अभी ही और के मुँह वाला। अच्छा कम कम हाथ रहता है कैसे छाड़ना पड़ता है, जो हमारा मेन टैग होता है सत्तू का, वो जो है देखो नीचे निकल रहा हो, ऊपर का बूर ऊपर रह जाता है। तो सूखा हुआ जो था उसको हमने झाड़ दिया है, और जो अभी हरा जो है उसको अब थोड़ा फैलाना है हमने, ताकि जो है एक दो दिन में जो मौसम साफ हो तो सूख जाएगा वो, तो उसको भी हम जो है फिर से झाड़ेंगे। तो आखिरी में ये होता है झाड़ने के बाद जो इसको यारा में अच्छे से साफ़ सफाई जो इसका वो किया जाता है, आखिरी में जो दाने बचते हैं वो दाने को जो है मशीन में ले जाया जाता है, ग्राट में, या ग्राट बोलते हैं किनौरी में, जो नेचुरल वो होता है उसमें भी ले आते हैं, लेकिन अब तो आजकल मैकेनिकल जो मशीनरी उसमें है उसमें ले जाते हैं, वहाँ पे उसको पीसा जाता है, और उसके बाद जो है आखिरी में जो हमें मिलता है वो मिलता है सत्तू। तो बेसिकली जो किनौरी सत्तू में हम जो है साथ में जो है चुल्ली का तेल उसको उसमें जो है मिक्स किया जाता है, जो उसको बोलते हैं लोकल जो डाइट बनता है, जो बहुत हैवी डाइट बनता है, उसको जो है चुल्ली के जो थोड़ा बहुत चुल्ली के तेल में जो उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है। अनाज झाड़ने का इसको एक दो दिन धूप में सुखाया जाता है, धूप में सुखाने के बाद जो है इसको अच्छे से छाट के ये जो दाने दाने से है इसे मशीन में ले जाया जाएगा, मशीन में पीसने के बाद हमें जो है फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो है सत्तू के रूप में। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ सत्तू कैसा होता है। तो ये है सत्तू,
ऐसा होता सत्तू। तो इसमें जो चुल्ली का तेल है, चिकते रंग बोलते हैं हम किन्नौर में, वो मिक्स किया जाता है, और इसे ऐसे ब्रेकफास्ट में और इवनिंग में जो शिल बोलते हैं किन्नौरी में, उसमें खाने में यूज़ किया जाता है। तो ये था आटा बनाने का प्रोसेस, आटा सत्तू बनाने का प्रोसेस शुरुआत से आखिरी तक। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।